चलिए सो so, उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट लाइव आ गए होंगे का भी हम हम लोग लोग कर रहे थे, के के आज के इस पर्टिकुलर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं heat transfer for all non -flow process. जितने भी नॉन फ्लो प्रोसेस होता है यानी कि क्लोज सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम जितने भी होता है चाहे वह मेरा आइसो रहे प्रेशर कॉन्स्टेंट रहे, वो रहे, रहे या फिर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहे आइसोकोरिक रहे या मल रहे या फिर, रहे, N या फिर degree, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कितना होता है क्योंकि स्टडी कर चुके, जो वो देख चुके हैं वर्क ट्रांसफर देख चुके हैं सभी प्रोसेस का सभी नॉन फ्लो प्रोसेस का राइट या फिर क्लोज सिस्टम का हीट ट्रांसफर मैंने आपको हीट बताया है कि हीट क्या होता है और वर्क क्या होता है और मैंने ये भी बताया कि वर्क और हीट के बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलिटीज है लेकिन मैं अभी आप, आप लोग को हीट कैलकुलेशन नहीं बताया हूं तो आज हम लोग समझेंगे हीट कैलकुलेशन अलग अलग प्रोसेस का क्या देखने को मिलता है राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखो जब मैं यहाँ पे बात करता हूं ना हीट कैलकुलेशन का तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अच्छा मैं पहले क्यों नहीं बताया पहले मैंने वर्क आपको बता दिया वर्क बताया वर्क कैलकुलेशन कंप्लीट मैंने बताया आप लोग को उसके बाद मैंने आपको बताया कि आइडियल गैस रिलेशन क्या होता है फिर मैंने आपको बताया कि हीट क्या होता है फिर मैंने आपको हीट एंड वर्क के बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसिस भी बताया था लेकिन ये आपका हीट ट्रांसफर क्यों नहीं बताया था हीट का कैलकुलेशन इसलिए बताया था बिकॉज इसके लिए जरूरत पड़ता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का तो मैंने इसीलिए पहले फर्स्ट लॉ ऑफ को समझाया देन इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हीट के बारे में आपका पूरा इक्वेशन जो डेल क्यू इक्वल टू आता है वो डी यू प्लस डब्ल्यू आता है तो हीट को निकालने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी पता होना पड़ेगा सिर्फ वर्क से काम नहीं चलेगा अब इंटरनल एनर्जी आपको पता ही है कि इन दोनों के बीच के अंतर से पता चला था जब दो पाथ फंक्शन का डिफरेंस निकाले तो एक प्रॉपर्टी मुझे मिला दैट इज पांच इंटरनल एनर्जी दैट्स हम लोग को एनर्जी पढ़ना पड़ा फर्स्ट लॉ को पढ़ना पड़ा उसके मुझे मिला इसके बाद ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लियर चलिए लेकिन हा मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि जब आप हीट ट्रांसफर निकाल रहे हो सारे प्रोसेस का तो आपको पता होना चाहिए सारा वर्क डन हर एक प्रोसेस का सारा वर्कडन आप लोगों को पता होना चाहिए रटा पड़ा होना चाहिए अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बारी में आप लोग सभी जो है ना वो बताना चाहिए कि क्या क्या हो जाता है अगर मैं बोल दूंगा जैसे कि प्रेशर का बताइए वकडन क्या होता है तो डायरेक्ट बोलेगा पी डी हो जाता है सर या फिर बोल सकते हो पी वी टू माइनस वी वन हो जाता है सर ये भी आप लोग चाहे तो बोल सकते हो वकडन इक्वल टू अगर मैं वॉल्यूम क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको बोलना सर वक्डन जीरो हो जाता है समझ गए इस तरह से कुछ भी अगर मैं बोल देता हूं तो आप लोग को फटाफट बना जैसे अगर मैं मान लो आपको बोल दिया एडियाबेटिक का

आपका जो चार्ट है ये फुलफिल हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे सारे प्रोसेस के बारे में फिर फिर प्रोसेस के में ने के 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 मैंने बताया था आइडियल आइडियल गैस गैस रिलेशन रिलेशन बारे बारे में बारे में बाद हम लोग कैलकुलेट किए थे और आज हम लोग बात करेंगे हीट के बारे में तो अभी तक आपको इतना पता है वॉकडन तक पता है आज आपको पता चलेगा हीट के बारे में और यहाँ पे हीट वाला कॉलम भी पूरा फिल हो जाएगा तो यहाँ देखो यही आपका वॉकडन है तो ये पांचों पता होना चाहिए कि जीरो कब होता है ये कब होता है

हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट नॉन फ्लो प्रोसेस और क्लोज सिस्टम सबसे पहले हम लोग प्रोसेस लेके चलते हैं आइसोकोरिक कुछ भी ले सकते हैं तो यू, आपका जो मन करेगा आप वही प्रोसेस उठाओ कोई दिक्कत नहीं है तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइसो आइसो मीन सेम कोरिक माने वॉल्यूम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है अच्छा इस केस में वॉकडन जैसे मैंने कहा आपको याद होना चाहिए तो सर पीडीबी लेके चलते हैं और पीडीबी केस में अगर वॉल्यूम ही जीरो हो गया चेंज तो पी इंटू जीरो वॉकडन मेरा क्या आ जाता है जीरो हो जाता है जीरो आ जाता है बिल्कुल सर जीरो आ जाता है ठीक है अब देखो अगर मेरा वग्डन जीरो हो गया अब यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ डाइनिक्स तो ये हम लोग यूज किए वर्क कैलकुलेशन अब ये जो हम लोग यूज आपका अकॉर्डिंग टू ये हम लोग यूज कर फर्स्ट लॉ किसका फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी क्या जानता है डेल केब्ल्यू अब जब आपको यहां से पता चल गया कि वग्डन मेरा हो गया जीरो तो क्या बच गया ओनली डी यू यानी कि जब आपका वॉल्यूम क्वेश्चन रहता है तब जितना हीट देते हैं ना उससे वकडन कुछ नहीं होता केवल और केवल उसका टेम्परेचर बढ़ता है अब बोलेंगे सर मतलब इंटरनल एनर्जी वाई बिकॉज़ इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली क्या मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा इंटरनल एनर्जी होता है एनर्जी इज फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली केवल और केवल मेरा टेम्परेचर में ही डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी तो अगर मैं बोला कि इंटरनल एनर्जी जितना मान मैंने दस किलो जूल का दिया हीट और वो मेरा कैसा प्रोसेस है है आइसोकोरिक तो तो जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा पूरा पूरा एनर्जी का का एनर्जी यूज करेगा इन आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ने में और इंटरनल एनर्जी कब बढ़ता है जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे कि आपको प्रैक्टिकल समझना है तो आप क्या करो आपने एक लीटर पेट्रोल डाला आपने बाइक में बाइक में डाला ठीक है कम तो हो रहा है आपका इंजन स्टार्ट हो गया बाइक चल ही नहीं रहा कंबसन हुआ लेकिन इंजन नहीं चल रहा है मान लो क्रैंक वगैरह कुछ ना कुछ आपका खराब है जिसकी वजह से वो पावर आपका मिल ही नहीं रहा व्हील तक और चल ही नहीं पा रहा जिसके वजह से इंजन पूरा गर्म पूरा गर्म गर्म इतना गर्म हो जाएगा कि जलने लगेगा ऐसा लगेगा है ना कि धुआं निकलने लगा इंजन से तो क्या बोलते हैं भाई इंजन सर इतना मेरा था धुआं निकलने लगा वहां से जल रहा था कुछ इंजन मेरा जल गया जला क्यूं? क्यों क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर क्यों बढ़ा क्योंकि वर्क कर ही नहीं पा रहा था तो सारा का सारा हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में भी बढ़ाने में कर दिया तो बढ़ गया जल गया आपका कोई चीज फिर उसको खुलवाते हैं समझ गए ये सबके साथ होता है 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 कभी कभी पंखा 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 नहीं नहीं जलता चलता कभार ना पंखा जल जाता धुआं निकलने क्यों क्योंकि आपने जो वहां पे अब कोई तरह कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी है यहाँ पे हम लोग हीट का बात करें बिकॉज वी आर इंजीनियर्स और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंजन के बारे में अब ऐसे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो भी एक तरह से है वहां भी मेरा हम लोग एनर्जी सप्लाई का वही मशीन है इलेक्ट्रिकल आपने एनर्जी दिया यानी एक से हीट एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया उसका काम था उसको रोटेशन करवाना मूव करवाना वो करा नहीं पाया तो वो हीट आपका कहाँ गया वो उस चीज पार्ट्स को गर्म कर रहा क्योंकि उसको भाई आप नहीं दोगे एनर्जी तो एनर्जी को बर्बाद करेगा है ना तो एनर्जी से क्या करने लगा जलाने लगा सबको धीरे धीरे गर्म जल जाता खराब हो गया आपका चलिए फिर आ जाता है यहाँ पे फिर वो जलने के बाद बंद क्यों हो जाता सर वो जलते रहना चाहिए ना क्योंकि कनेक्शन लूप ब्रेक हो जाता है ना जब जलता तो तार आपका टूट जल गया गलने की वजह से क्या होता कनेक्शन पहुंच नहीं पाता वो चीज होता आइडियल गैस इक्वेशन डेल क्यू इक्वल टू एमसीबी अब देखो मैंने आपसे कुछ कहा था मैंने आपसे क्या कहा था समझ रहे हैं से यहां से आपको दो चीज पता चलेगा विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट यूजल फॉर्मूला इन थर्मोडाइनमिक्स क्या है वो आपका ये वाला लेकिन ये कहां से मिला पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको कहा था कि हीट जो होता है हीट किस डिपेंड करता है तो मैंने आपको कहा था मास पे डिपेंड करता है मास अगर बढ़ेगा किसी चीज का तो हीट भी मेरा बढ़ेगा मैंने आपको कहा था बिल्कुल सर आपने कहा था एंड एंड हीट जो होता है वो डायरेक्टली डाइकलीवर टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है क्यों बिकॉज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस है ना ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस मेरा हीट क्या करता है हीट मेरा फ्लो करता है हीट मेरा क्या करता है फ्लो करता है यानी कि ये मेरा मास पे भी डिपेंड करता दे, है तो मेरा क्या बन जाता, बन जाता है आप आपको ये भी, ये सब मैं बता रखा हूं जब हीट का मैं डिफाइन कर रहा था तब फिर मैं कहा था जब भी किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आके जुड़ता है तो जब मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा और बराबर करूंगा कॉन्स्टेंट आके जुड़ता है यहां है सी सी कॉन्स्टेंट सिंपल

एट कॉन्स्टेंट एट कॉन्टेंट प्रेशर और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट एट एट वॉल्यूम वॉल्यूम में कितना हीट लगा और कितना प्रेशर लगा इसमें मैंने आपको प्रूव भी करवाया था कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी क्यों जब सीपी लग रहा था तो वहां पर वॉकडन भी कर रहा था समझ गए और यूटिलाइजेशन हीट भी कर रहा था और सीपी के केस में वॉकडन तो जीरो होता है जैसे आपको पता है तो केवल और केवल के टेम्परेचर राइज करने में लग रहा था इसलिए कम हीट का जरूरत पड़ा था इसलिए वॉल्यूम के टाइम पे वॉल्यूम के टाइम पड़ा था डेल्टी है। है। मतलब ये पूरा सही नहीं है ये हम लोग ये भी लिख सकते क्यू इक्वल टू एम या तो सीपी डी टी होगा ये डीटी भी लिख सकते हो इस तरह से डी टी भी लिख सकते हो या डेल्टी भी लिख सकते हो या फिर सर क्यू इक्वल टू एम सीबीडीटी भी हो सकता कुछ भी हो सकता है आपका यहां पे CPDT और CVD क्यों सर हीट ट्रांसफर करेगा या तो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर में अब यहां पे क्या आया यहां देखो क्या आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन का यूज करोगे आप करोगे एम सी पी डी टी का ये समझ आ गया क्यों यूज करेंगे अब देखो पूरा को मैं हटा देता हूं सबको अगर हटा दिया तो इतना आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्यों हम लोग यहां पर यूज करेंगे अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा ना अब इसके बाद जब भी मैं बोलूंगा कि क्यू इक्वल टू बोलूंगा वेन वेन वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट तो बताओ हीट ट्रांसफर तो हीट ट्रांसफर आप बोलेगा सर हीट ट्रांसफर तो मेरा इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा बिल्कुल क्यों वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो वॉकडन जीरो तो जीरो खत्म तो सर ये को बताया और सर हम लोग चूंकि हीट इक्वल टू एमसीडी होता है चूंकि यहाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो इसको सकते हैं एमसीवीडीटी और कभी कभार क्या बोलते हैं डायरेक्ट बोला जाता है इंटरनल एनर्जी दी एमसी

Q2 टू माइनस से नहीं दिखा सकते हैं। क्यों क्योंकि आपको पता कि ये कहां से आता है इसमें मेरा वर्क और हीट के डिफरेंस से बना है मेरा इसलिए प्रॉपर्टी है सिस्टम का और चूंकि वर्क जीरो हो गया इसलिए केवल डीओ बचा कंप्लीट हीट को टेम्परेचर जब कन्वर्ट हो जाता तो मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी हो जाता है सिस्टम का और क्योंकि प्रॉपर्टी को कहीं भी दिखा सकते हो कि इतना डिग्री सेल्सियस इतना डिग्री सेल्सियस हम बोलेंगे अभी पानी कितना गर्म है रे तो आप बोलोगे सर फोर्टी डिग्री सेल्सियस है कुछ जाइए सर ये बोलेगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मत कुेगा नहीं तो आपका छिल जाएगा पूरा शरीर राइट आपने प्रपर्टी पता कराना कि भाई वेपर में है सर वेपर कन्वर्ट होने वाला है ये बोलेंगे सर जीरो डिग्री सेल्सियस से में कुदिया नहीं बर्फ है एकदम तो जीरो डिग्री सेल्सियस से कम ठंडा कहने का मतलब है तो प्रॉपर्टी शो लेकिन हीट थोड़ा ना पता चलेगा हीट आपको नहीं आपको ही कैलकुलेट करते हो ठीक है ही कैलकुलेट करते हो राइट तो ये चीज आपको पता चला तो याद रखना आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग लिख करते हैं डी इक्वल टू एमसीबी डी टी और यहां से आप लोग लिख सकते हो कि डीयू इक्वल टू एमसीबी डी टी ठीक है क्या बात है सरिका आप स्माइल क्यों कर रहे हैं अच्छा ओके तो यहां पे क्या आ गया डी यूल टू एमसीबी डी टी कोई बात नहीं देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है अब यहां से बात आता है अब बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर के बारे में क्यों दोनों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे उसका जान लो अब जैसे आ गया कॉन्स्टेंट प्रेशर फिर से वही बात है वॉकडन इक्वल टू मेरे को क्या पता है सर सर पीडीबी बिल्कुल सही बात है और मेरे को फर्स्ट लॉ क्या पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लो थर्ड मुझे पता है कि सर डेल की टू लिखते हैं डी ओ प्लस डेलब्लू राइट अच्छा डेल डब्ल्यू अभी मैंने कहा वर्क डन क्या होता है इनके सब कांस्टेंट प्रेशर पीडीबी सर क्या बोल सकते हो वी टू माइनस वी वन ये हम लोग वर्क डन जानते हैं देखो मैं आपको दिखा देना चार्ट मैं आपको बता रखा हूँ ये चीज होता है right? राइट मैंने यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर दिया पीडीबी मैंने लिखा ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया अब देखो जब मैं लिखा कि डी यू इक्वल टू पी तो आप देखोगे कि यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है तो मैंने क्या करा डी को एक साथ में कॉमन में रख लिया देखो मैंने क्या करा समझो मेरी बात डी को मैंने बाहर कर दिया पी और वी को अंदर कर दिया पी एन प्रेशर वॉल्यूम को अंदर कर दिया क्योंकि डी तो चेंज बताता है आपको पता ना डी वी में डी क्या बताता डी बताता चेंज को और वी बताता वॉल्यूम को तो जो यहां था मेरा पी डी एंड वी तो मुझे पता कि पी मेरा है प्रेशर और वी मेरा वॉल्यूम और डी बताता चेंज इन वॉल्यूम को एक काम करता है प्रेशर वॉल्यूम प्रॉपर्टी को एक साथ कर लेते हैं तो प्रॉपर्टी को एक साथ मैंने ब्रैकेट कर लिया चेंज अब क्यों करा अभी समझना यहाँ पे आपको और एक नया चीज पता चलेगा एंथाल्पी के बारे में है ना जो आपको और एक नया चीज पता चलेगा देखो तो मैंने यहाँ पे मैं क्या पता चला डी यू और यहाँ पे पता डी इंटू पीवी तो मैं क्या करता हूं डी को कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है तो डी कॉमन ले लो तो पता चलेगा यू प्लस पीवी अब 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 ध्यान देना अब ध्यान देना अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्योंकि एंथैल्पी जो होता है मेरा एच ये हम लोग जानते हैं यू प्लस पीवी होता है

क्योंकि इस केस में मेरा प्रेशर कॉन्स्टेंट था तो बिल्कुल यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या करेंगे हम लोग सी पी होगा प्रेशर लेके चलेंगे क्या लेके चलेंगे स्पेसिफिक पे ये लेके चलेंगे यानी कि अब अभी आपको समझ आया कि डेल क्यू इक्वल टू डेल क्यू इक्वल टू जब मेरा डीएच आ जा जाता है तो हो जाता है एम सी पी डी टी डी टी तो इन शॉर्ट में आपको डेल क्यू नहीं बोला जाता आपको डायरेक्ट डीएच इक्वल टू लिखा जाता है एक आपको मिलता है डीएच इक्वल टू डीएच इक्वल टू मिलता है एम सी बी डी टी और सेम अभी हम लोग पता किए क्या कि डी यूक्वल टू एम सीबीडी दोनों में अंतर क्या कुछ नहीं M M C P D M C D T. अंतर यह है कि एक जगह आपको नजर आ रहा है C v, एक तरह, तरह, तरह नजर आ रहा है C P. अब सर याद कैसे रखेंगे इसको मान लो इतना तो डेरिवेशन समझने के लिए था सर याद कैसे वही आपको यहाँ लिख दिया गया चेंज इन थर्पी डेर टू तो चेंज इन थर्पी के बराबर आया है ना और एनथोलपी होता है एच प्लस अब याद कर सके मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ आप लोग एचपी का लैपटॉप सुने होंगे या फिर यूज किए होंगे एचपी का लैपटॉप पता है एचपी और आप युवराज सिंह को भी जानते हो इनके इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है ना जो वर्ल्ड कप को जिताने में सबसे ज्यादा योगदान मैं बोल सकता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट की प्लेयर थे जिनके वजह से आज हम लोग के भारत के पास एक दूसरा वर्ल्ड कप है युवराज सिंह जिसको हम लोग शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं यूवी हम लोग बोलते हैं ना यूवी यूवी UV, UV, UV. अब क्यों मैंने ये बताया ट्रिक के लिए जब आपका बोला जाएगा चेंज इन एंथाली डी एच यह तो आपको पता कि हीट के बराबर ही हो जाए यानी कि एम सी डी टी तो होगा ही दोनों के किस में चाहे डी यू का बोले तो एम सी डी टी होगा ही लेकिन जब आपको बोला जाए ना यहाँ पे क्या कि ये एच है तो देखना एचपी का लैपटॉप मतलब सी पी आएगा और जब आपको बोलेगा यू दिया है इंटरनल एनर्जी तो यू भी छक्का वाला यू भी यानी सी भी ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो तो। बाकी ये दोनों याद रखना कि ये का बराबर हुआ था हीट के बराबर दोनों में अच्छा, अभी। अभी आपको बता रहा हूं इससे और कितना क्वेश्चन बनता सारे मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन और पूछा जाता क्या आपसे पूछा इस तरह जाएगा कि बताइए वेन आपको पूछा जाएगा वेन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी आपको पूछा जाएगा वैन इस तरह से लिखा पूछा जाएगा कि कब हीट ट्रांसफर आपको पूरा कहानी बताएगा देर इज ए कंप्रेस गैस है ना अ प्रोसेस इन विच हीट इज कम्प्रेस तब कहा जाएगा वैन देर इज हीट ट्रांसफर वेन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये अगर आए तो ध्यान रखना आप लोगों को बोलना एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो मेरा हीट ट्रांसफर होता है डेलक्यू होता है वो बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का डीयू का एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सेम क्वेश्चन यहां पे एक बनता है कि बताइए कब मेरा चेंज इन हीट ट्रांसफर या फिर हीट ट्रांसफर बोलेगा हीट ट्रांसफर इज चेंज इन एंथाल्पी तो याद रखना इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सॉरी केस ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर

तो इसके आगे एच लग गया कि ये बनेगा तो डी एच डी जैसे बन गया यानी यानी बता रहा है हम लोग इसको लिख सकते हैं कि का हो गया और ये जैसे मुझे पता चला कि ये मेरा क्या हो गया सिस्टम का प्रॉपर्टी मेरे को पता चल गया अब आपको ये भी पता है सर प्रॉपर्टी तो दो तरह का होता है एक होता है मेरा एक्सटेंसिव और दूसरा होता है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव जो कि इनडिपेंड ऑफ मास होता है जो डिपेंड नहीं करता ये क्या करता है नॉट डिपेंड नॉट डिपेंड ऑन मास लेकिन एक्सटेंसिव मेरा डिपेंड करता है ये क्या करता करता है मेरा डिपेंड किस पे मास पे डिपेंड करता है जैसे मैंने कहा था ऑल एनर्जी ऑल एनर्जी या फिर एंथाली हो गया है ना ये सभी ये हो गया एक्सटेंसिव पे डिपेंड करता है एंथल एंटरनल एनर्जी एंट्रोपी है ना समझ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये सारे वॉल्यूम मास ये सब क्या है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में जैसे आपका चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर ये सभी ये सभी क्या आ जाएगा डेंसिटी ये सभी किसमें इंटेंसिव में यानी कि ये कैसा प्रॉपर्टी है ये मेरा एक्सटेंसिव है क्योंकि मास पे डिपेंड करता है क्यों बोलेंगे सर क्योंकि ये बेसिकली हीट के चेंज से आया है इसी के लिए ये मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है क्योंकि हीट पता नहीं कब कितना देगा कोई अता पता है नहीं तो मास पे डिपेंड करता है

तो कहा गया एंट्रोपी इज थर्मोन प्रोपर्टी प्रॉपर्टी बट कैसा एक्सटेंसिव और वही बात है हम लोग थर्मोन में क्या लेके चलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं इंडिपेंड ऑफ मास लेके चलते हैं तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा मास से इसलिए कैपिटल एच होता है और स्मॉल एच होता है कैपिटल क्या एच होता है ये इसको बताता है मेरा टोटल एंथॉल्पी को बताता है टोटल एंथाली मेरा बताता है या फिर ये बताता है मेरा एक्सटेंसिव का बिहेवियर को ये मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेकिन जैसे छोटा एच हो गया ना इसका मतलब क्या है ये मेरा इंटेंसिव बन चुका है

so change in enthalpy a change in enthalpy is the amount of heat transfer at constant आपका प्रेशर वही लिख दिया कि चेंज इन एंथैल्पी जो होता है इक्वल टू हो जाता है यहां पे इक्वल लिखना चाहिए था हां या फिर ऐसे भी हो सकता है चेंज इन एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम चलिए बाकी मैंने अभी कहा दिया कि dh इक्वल टू mcv dt आपका लिख सकते हैं dA इस केस में चलो ये हो गया सेकंड प्रोसेस बात करते हैं थर्ड प्रोसेस के बारे में थर्ड प्रोसेस यूर आइसोथर्मल यहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है और हम लोग को पता है कि इस केस में इस केस में इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन करता है देखो इंटरनल एनर्जी बस बेसिकली क्या जैसे मैं बोलूंगा फादर आपके घर के मेन लीड हो जाते हैं तो फादर जो होता है है ना ऐसे बोलूंगा एक सेकंड फादर नहीं बोलूंगा जैसे बोलूंगा आप सारे बच्चे हैं है ना जैसे आपका कोई भाई है ब्रदर है आप खुद हो गए आप हो गए यू आपकी मदर है आपकी कोई सिस्टर है है ना या फिर पेरेंट्स वगैरह? है ये इज दी फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फादर का सैलरी क्या मतलब सैलरी सर अगर पापा का बढ़ेगा तो हम सबके लाइफ का सबके जीवन का स्तर भी बढ़ेगा हर एक चीज में बढ़ेगा अगर स, पापा के सैलरी घटेगा तो हम सब में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा सैलरी बहुत बड़ा चार लाख हो गया तो सर हम लोग सब घूमेंगे सबका लाइफ मस्त हो जाएगा राइट फंक्शन है ना वही सेम चीज है कि यानी कि ये अगर बड़ा घटा तो ये भी होगा यही सब तरीका मैं अपनाता हूं और क्या करूं इजी करने के लिए तो यही हो, सेम होता है कि इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली ओनली केवल इसी पे ही डिपेंड करता है और किसी भी नहीं उसी तरह आपका लाइफ कितना अच्छा है जितना खा पी रहे हो क्या पढ़ाई कर रहे हो आप जो चीज चाहते हो मिलता है कि नहीं पड़ोस में कितना कमा रहा है ना आपका दोस्त कितना कमा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है पापा कितना कमा रहे हैं अगर जो आपके काम करने वाले अगर मान लो मम्मी भी जॉब कर रही है वो कितना कमा रहे हैं भाई आपके भैया भी कमाते तो आपको लाइफ नहीं अच्छा बना देंगे हेल्प करेंगे अलग बात है आपके भैया आपके हेल्प करेंगे क्योंकि आप खुद सोचो ना उनका अपना लाइफ होगा हाँ जब तक बैचलर रहेंगे वो अलग बात है लेकिन अगर मान लो उनका भी शादी हो गया तो आप उनका भी बच्चा उसका भी लाइफ है तो वो आपको ज्यादा नहीं दिखेगा चार भाई है सबको नहीं देखने जाएगा ना लेकिन पापा ऐसे होते हैं कि वो तो भाई बच्चा के लिए जान दे दे अपना है ना तो हम ही लोग के लिए यही जिंदा राइट राइट तो ये चीज है सेम इसके साथ है भाई ये जैसा कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा कि अगर मैं बोलूंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो तो चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो क्योंकि यहां पे चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा जीरो टी टू माइनस टी वन इक्वल टू जीरो और माइनस को उधर ले जाएंगे तो टी टू इक्वल टू टी वन बराबर हो जाएगा कब जब डी यूक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां भी यू टू माइनस यून इक्वल टू जीरो और यू टू इक्वल टू यू वन जब इंटरनल एनर्जी सेम तो टेम्परेचर भी सेम ये ध्यान रखना आप लोग ठीक है अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थे डेलक्यू निकाल लेते हैं हीट का ट्रांसफर कितना होता है तो मेरे को पता है ये फर्स्ट लॉ होता है और यहां जब मैं बोला कि आइसोथर्मल है टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है यानी कि डी यू भी जीरो कि बीच वाला ये आपका जीरो हो जाएगा तो एक केस ऐसा था जहां पे हम लोग बात किए थे आइसो आइसो कोरिक के के केस में आपका वर्कडन हो गया था जीरो एक सेकेंड क्या हो गया था आपका वर्कडन हो गया था जीरो लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं इंटरनल एनर्जी हो जा रहा है जीरो यहां पे जितना फीट दे रहे हो वो कंप्लीट मेरा किसमें वर्क कर दे रहा है वर्क हंड्रेड परसेंट वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है यदि अगर आपको हीट का कंप्लीट यूटिलाइजेशन चाहिए वर्क में ये इज है लो ग्रेड एनर्जी आपको पता है कि ये लो ग्रेड एनर्जी होता है कम्प्लीट हीट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते कर सकते हैं लेकिन आपको आइसोथर्मल केस लेना पड़ेगा आप बोलेंगे सर एक चीज मेरे को बताइए आपने कहा था कि ये होता है लो ग्रेड एनर्जी जबकि हीट होता लो ग्रेड किसी मैंने कहा था बीटेक आईटीआई डिप्लोमा एमटेक बीटेक कई सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे लेकिन वो उसी एनर्जी का यूज कर रहे उस फील्ड में जॉब कितना उसमें कि कौन पी इसरो डीआरडीओ में कर रहा, कौन आपका इस आप बोलेंगे ग्रुप डी में जॉब लगा, लगा हूँ तो फिर मैं उसको नहीं माने रखूंगा टेक्निकल में ही अगर आपका लगा तो मैं बोलूंगा या बैंक में जॉब करूं तो भाई आपने क्यों करा है आप भाई उससे अच्छा अच्छा से बी वगैरह करते और निकालते फिर है ना तो वेस्ट ऑफ मनी टाइम हो गया तो ये लो ग्रेड है और ये हाई ग्रेड है तो ये लो से हाई कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे बीच में डेल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू आता है अगर 10 का हम लोग करना चाहेंगे कन्वर्ट तो ये सात होता है छे होता है जितना होता है छे मान लो चार का लॉस लो, कुछ लॉस भी होता है एनर्जी कंजर्पन को तो फॉलो करेगा कि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो ये दस तो ये भी कुल मिलाकर दस ही होगा बट माई पॉइंट इज ये तभी पॉसिबल है जब आइसोथर्मल लेंगे फिर आप बोलेंगे सर आपने कहा था ये कभी पॉसिबल नहीं है पॉसिबल क्यों कि कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस आपका पॉसिबल है क्या आइसोथर्मल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं इट्स ऑल्सो आइडियल ये मेरा आइडियल के लिए होता है ये मेरा हाइपोथेटिकल है याद है आप लोग का क्वासी स्टेडिक प्रोसेस क्या कहा था क्वासी स्टेडिक प्रोसेस प्रेक्टिक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है कि आपका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है प्रेशर भी चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख के रह रहे थे ये और उसका एग्जाम्पल था आइसोथर्मल ये ग्राफ बना था आइसोथर्मल का उसी समय हम लोग पढ़े थे कि आइसोथरो प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है है ना इसको आप लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते तो और वैसी बात है ये भी नहीं हो सकता लेकिन हाँ थ्योरी है तो थ्योरी पढ़ना है तो जान लो है ना थ्योरी पढ़ना है तो जान लो कि ये एक तरह से होता है चलिए और विच इज नॉट पॉसिबल यहां देखो लिख दिया गया है हाइपोथेटिकल है राइट तो ये हो नहीं सकता लेकिन अगर आइडियली है कोई पूछे तो याद रखना डीओ को जीरो करके कर सकते हैं राइट और ये आपका आइडियल के सिक्वेशन यहाँ पे था वॉकडन अच्छा हाँ वॉकडन वॉकडन अब देखो एक बड़ा बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप लोग को याद होगा कि वॉकडन के केस कितना था आइसोथर्मल के केस में वॉकडन तो मैंने कहा था वही सी एल एन वी टू ओपन कुछ नहीं है आप लोग को पता गोल्ट लेके चलते हैं तो के जगह पीवी पीवी हैं और इक्वल टू मेरा MRT भी होता है तो कॉन्स्टेंट के जगह हम लोग भी कर सकते हैं तो सी के जगह में आप कुछ भी ले लो संडे को क्लास होती है डियर मैराथन चलता है बट इस बारी वाला संडे में मैं थोड़ा सा हो सकता हूं कि जाऊं बाहर शायद आपका हो सकता नहीं क्लास शायद कल भी आपका क्लास नहीं हो सकता मेरा आज शायद आप लोग का लास्ट क्लास होने वाला या फिर कल अगर क्लास लेंगे तो मैं आप लोग का डे में ही ले लूंगा अगर मैं कहीं जाता हूं तो क्योंकि एक है इमरजेंसी है बट अगर मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं तो ट्राई करूंगा लेकिन हो सकता है जाना भी पड़े चलिए तो ये था और इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका क्या पी लिख सकते हैं पी भी एल एन या फिर पी वी टू एम था तो एम आर टी एल एन ये लिख सकते हैं और देखो चूंकि हीट इक्वल टू वॉकडन है यानी कि जो वॉकडन मिल रहा वही बराबर हीट हो जाएगा यानी कि यहाँ पे डेल क्यू भी आपका एल एन वी टू बाई वी वन होगा या फिर पी वी एल एन वी टू बाई वी वन होगा या फिर एम आर टी एल एन वी टू बाई वी वन होगा या फिर आपको और एक चीज पता है कि पी वी इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्रोसेस के लिए क्या लिखते हैं पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू भी करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं पी वन बट आप पी टू इक्वल टू वी टू बाई वी वन तो B2 by B1 के जगह में हम लोग चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकते हो पीवन बाई पी टू भी तो चार छह फॉर्म आपका और बन जाता है इसके अलावा पीवन ये पीवन भी वन इक्वल टू लिख सकते तो और आपका दो और जुड़ गया ठीक है चलिए इस तरह कई बना सकते हो तो समझ गए यानी कि इनके से पायसोथर्मल जितना हीट होता है उतना वर्क होता है हीट एंड वर्क में कोई चेंज ही नहीं क्यों, क्यों? क्योंकि इंटर एनर्जी जीरो हो गया ठीक है तो इफ द प्रोसेस इज टेकन प्लेस एट वेरी लो वही मैंने कहा था बहुत स्लो प्रोसेस करेंगे तब जाके पॉसिबल है टोटल हीट कैन बी कन्वर्टेड इन टू टोटल वर्क प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल चलिए ये होगा थर्ड प्रोसेस आप बात करते हैं किसके बारे में एडियाबेटिक के बारे में, में। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग एडियाबेटिक के बारे में बात यहाँ पे करेंगे चलिए क्या चीजें समझ इतना आ रहा है एक बारि सारे स्टूडेंट बताइएगा क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है थैंक यू सो मच देखो बच्चे यहाँ पे बारह देखते हैं पंद्रह देखते हैं बीस देखते हैं तीस देखते हैं रिप्लाई बहुत कम करते हैं ना आप रिप्लाई करना सीखो इट्स अ वेरी गुड थिंग है ना क्लियर 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 ओके थैंक यू सो मच सरिका सरफराज कोमल अहमद चलो अब बात कर लेते हैं एडिया एज यू नो दैट एडिया बिटिक क्या होता है ना हिट आएगा ना हिट जाएगा ऐसा लॉक हो जाता है ना ना हिट आएगा ना हिट जाएगा हिट को कंप्लीटली लॉक कर देते हैं तो हिट ट्रांसफर यहाँ जीरो है तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि हिट यहाँ ना आएगा ना जाएगा बट अगर कोई बोले फिर भी तो क्या वॉकडन तो फिर क्या इक्वेशन कैसे बनेगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग

हीट ही देना नहीं चाहते हो लेकिन आप काम करवाना का, को, कार को चला सकते हो नहीं ना अगर आप चलाना चाहते हो कैसे चलेगा और बीस बात हो उसके इंटरनल एनर्जी से ही चलेगा तो वही यहाँ पे बताया गया कि अगर वर्क हो रहा है तो किसके वजह से एनर्जी वही नेगेटिव क्योंकि वो अपना इंटरनल एनर्जी को दे रहा है यहां तो क्या होता था जब हीट मिला ना तो इंटरनल एनर्जी कुछ जाके स्टोर हुआ दस हुआ तो दो यहाँ स्टोर हुआ, का हुआ डिवाइस बना सकते हो तो बनाओ कि इंटरनल एनर्जी नेगेटिव मतलब वो घट के वो वर्कडन कहीं कन्वर्ट कर रहा तब जाके वर्क हो रहा है तब जाके वर्क हो रहा है तो इस तरह का क्या हो जाता है इंटरनल एनर्जी मेरा नेगेटिव हो जाता है डिक्रीजिंग Decreasing क्योंकि अगर आप वर्क करवा भी रहे होना कोई ऐसा मशीन लगवा के तो नेगेटिव वर्ग देखना पड़ता तो दिस इज योर एडियाबेटिक दिस इज योर एडियाबेटिकलिएस्ट बट नॉट द लिस्ट दट इज कॉल पोलिट्रॉपिक पोलिट्रॉपिक के लिए आपको पता पीपर एनिकोल्डो कॉन्स्टेंट ले लेते हैं और इस केस में देखो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखे क्योंकि यहां पर देखो एडियाबेटिकामा इकोल्डो कॉन्स्टेंट हम लोग कर सकते थे लेकिन यहाँ पे हिट ही जीरो हो जाता है ना डायरेक्ट ये कहानी मेरे को पता है क्योंकि हम लोग हीट वर्क और इंटर एनर्जी का बात करते हैं तो हिट तो मेरे को डायरेक्ट पता चल गया तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे हम लोग क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं निकाल रहे हम लोग हीट ट्रांसफर तो हीट ट्रांसफर का डायरेक्ट मिल रहा है पोलिट्रॉपिक केस में हीट ट्रांसफर तो ऐसा नहीं कि जीरो होता है कि यो तो ले नहीं सकते हैं तब क्या करेंगे तो हम लोग दूसरा अपना कोई लगाएंगे जुगाड़ जुगाड़ ये कि मेरे को लिखेंगे फर्स्ट क्लब थर्मस की क्या हो जाता है कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू अब

इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या लेके चल सकते हैं तो बोलेंगे सर यहां पे क्या लेके चलेंगे तो यहां पे मैं क्या करता हूं लेके चलता हूं एम डी टी को याद रखना क्या लेके चलेंगे क्योंकि देखो डी है ना याद करो सर एक था मेरा डी एक था मेरा DU. तो सर यू युवराज सिंह यानी एम सी वी डी टी और HP का लैपटॉप सर एम सी एच पी सी पी डी क्लियर तो यहां पे क्या जागा? आ जाएगा आ जाएगा मेरा एम सी वी डी टी और वॉकडाउन क्या हो जाएगा

कुछ कुछ एग्जाम में सब्जेक्टिव जब होता था तो पूछा जाता था आज के टाइम पे उसको भी खत्म कर दिया गया है जैसे एस एस सी जे में पूछा जाता था मेंस में अब वो भी खत्म कर दिया आज के टाइम में खत्म किया जा रहा है वो ना के बराबर पूछा जाता है तो ये डराइव करके आपका बन जाता दिस वन तो ये आपको रटना पड़ेगा जैसे भी करके देखो पोलिट्रोपिक वर्क सेम है ये 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 यही वैल्यू है ये वाला वैल्यू को यहाँ पे वॉकडन पोलिटॉपिक चाहे तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस वन इंटू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू

सीपी बड़ा है, है, क्योंकि आपको ये भी पता कि CV, है ना तो यहाँ पे सीवी का रेशियो को हम लोग वैल्यू भी आपको पता कि कितना चलते है कितना लेके चलते हैं किसके लिए किस एयर के लिए या फिर नाइट्रोजन के भी हम लोग इतना ही लेके चलते हैं ठीक है याद रखना 1.41 और ये एन क्या है ये आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स क्या होता है मेरा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है ठीक है ये दो चीज कहानी हो गया और पोलिट्रोपिक इंडेक्स का वैल्यू सर सर इंडेक्स का भी वैल्यू एक से बड़ा होता है और एन का भी वैल्यू एक से बड़ा ही होता है लेकिन एन का वैल्यू जो होता है एक से बड़ा तो होता है लेकिन गामा से छोटा होता है गामा से छोटा होता है सर फिगर बता दे बगल वाला हाँ ये फिगर कुछ नहीं है डियर यहाँ बस पोलिट्रोपिक का मैं आपको समझा रखा हूं कि जैसे आप हीट देते हो तो उसके वजह से उसमें इंटरनल एनर्जी आपको देखने मिलता है जो भी आपका ये है ना इसका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपको मैंने कहा था कि कि थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग ऑल ऑलवेज इन मोशन गैस पार्टिकल हमेशा गति करते रहता है तो अगर टेम्परेचर इसमें दोगे तो इसमें बहुत ज्यादा ना रेंडमनेस हो जाए बहुत टकराएगा ज्यादा दूर दूर भागने लगेगा टेम्परेचर होगा और टकराएगा और दूर भागेगा राइट और साथ ही साथ ये मेरा कुछ वॉकडाउन करता है क्योंकि जब इसके ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ एक बैलून लगा दूंगा इसे करके जो अभी बैलून फुलावा नहीं है तो अगर धीरे धीरे हीट बढ़ेगा हीट बढ़ेगा तो वॉकडाउन क्या करेगा वॉकडाउन कैसे दिखेगा कि ये धीरे धीरे बैलून बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा है ना ये इजी तरीका है या फिर दूसरा तरीका क्या था कि इसको जो बड़ा हो रहा है ना इससे इसका यूज करके हम लोग साफ्ट वगैरह लगा देंगे साफ्ट घूमेगा और एक कोई रस्सा से एक वेट को लटका देंगे तो वेट धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करेगा है ना समझ गए तो ये बता रहा कि हाँ यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है

सर मुझे क्या होता मेरा अगर बात करेंगे आइसोकोरिक का वॉल्यूम कांस्टेंट में तो सर वॉकडम तो होता जीरो डेल डब्ल्यू जीरो और सर अकॉर्डिंग टू तो फर्स्ट ऑफ में क्या था डेल की इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू तो सर ये अगर जीरो हो गया तो बचेगा क्या डी यू और युराज सिंह सर युवराज सिंह मतलब यू इक्वल टू एम क्या यू भी सी वी डी टी तो बन गया आपका बन गया

V2 minus V1. ये मेरा हीट भी होगा Q बराबर भी होगा हीट हीट वर्क डन भी और ट्रांसफर क्यों? क्योंकि याद होगा इस केस में मेरा क्या देखने को मिलेगा इंटरनल एनर्जी खत्म हो गया था क्यों क्योंकि इंटरनर्जीपरेचर तो ओनली वो टेमपरेचर में डिपेंड करता है जीरो तो इंटरनल एनर्जी जीरो और डन और पॉलीट्रोपी में एक खाली याद रखना कि पॉलीट्रोपी का जो डन होता है ये वाला

या फिर आप बोलो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक को भी पढ़ा दू मेयर्स इक्वेशन एक है लेकिन वैसे है सात आठ मिनट में मुझे लग रहा है ये हो जाएगा चलो इसको डिस्कस कर लेता हूं मैं एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली ना रिलेशन एस्टेब्लिश करता है एक नया रिलेशन सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर आता है तो यही आर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आर जो है क्या सीपी क्या सीबी क्या है यह रिलेशन है ये कभी कभार आपको पूछा जाता है तो चलो देख लेते छोटा सा पार्ट है देख लो बात करते हैं डी स्टूडेंट हम लोग मेयर्स इक्वेशन के बारे में आप है ना मेयर्स इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं देखो क्या होता है ये इसको डेराइव आपको याद नहीं रखना ये कुछ नहीं काम आएगा मैं आपको पहले बता बताते सारे स्टूडेंट को इसका केवल ये ध्यान रखना बस बस दैट्स इट लेकिन बस ये बात है कि ये कहा कैसे बना इसको जान लो एक बारी और हाँ इसका कोई अलग अलग फॉर्म पूछा जाता है ये भी पूछा जाता है हाँ हाँ क्लास होगा क्लास होगा कोमल चलो क्या कहा गया फर्स्ट लफ थोड़ा के अकॉर्डिंग मेरे को क्या पता है कि सर डेल इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू पता है सर आइडियल गैस रिलेशन से डी यू क्या पता, एच क्या पता है एम सीबीडीटी अभी जस्ट निकाले हम लोग अभी जस्ट निकाले कि डी इक्वल टू एम सीपीडीटी होता है डी एच इक्वल टू एम आपका सीपीडीटी होता है अच्छा एंथैल्पी इक्वल टू क्या पता है यू प्लस पीबी होता है सारे चीज जो मेरे को पता है उस चीज को लिख दिया गया अब देखो क्या करा गया एंथैल्पी इक्वल टू जो मेरा होता है ना एच इक्वल टू यू प्लस पीवी एच के जगह में देखो मैंने डिफ्रेंसिएट कर दिया डिफ्रेंसिएट यहां बीच में करा डिफरेंसिएशन तो एच का हो गया है डी एच यू का हो गया है डी यू और पीडी भी आपको पता ना, का कैसे करते हैं? एक को साथ में रख के तो मैंने भी बस डी के फॉर्म में दोनों को रख दिया या फिर ऐसे हो सकते हो तो फिलहाल की फिलहाल मैंने क्या करा डी आर एक सेकंड फिलहाल मैंने क्या करा डी के साथ मल्टीप्लाई फिलहाल करा उसके बाद यहाँ पे किया गया देखो डी डी और डी मैंने कर दिया बस डी 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 कर दिया इन मैंने डी के साथ छोड़ दो ये मैंने फॉर्म को लिख दिया अब मैं क्या हूं ना कि इंटरनल एनर्जी को उधर ले गया हूं तो डीएच माइनस डी डी एच माइनस डी हो गया, हो गया।, टी, पी वी आ गया।, आ गया। अच्छा है। आपको आइडियल ठीक है तो मैं क्या यहाँ पे इस पीवी के जगह में अगर मैं एमआर कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा और यहाँ पे क्या करा गया है आपको पता की डीएच इक्वल टू देखो ये होता है एमसीपीडी तो डीएच के जगह में जगह में क्या होता है इसलिए बन गया। इसलिए से भी बनाते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है क्योंकि मैं पहले वैल्यू पुट करके बना रहा हूं इसलिए ज्यादा इजी है अच्छा ये भी नहीं कर दिया अब यहाँ पे क्या नजर है आपको सर एम यहां भी है यहां भी एम है यहां भी एम आपको नजर आ रहा है और यहां भी आपको नजर आ रहा है डी टी डी

अभी तक आपको एक रिलेशन पता था कि गामा जो होता है लियोर इंडेक्स वो बराबर होता है सीपी माइनस सीवी का इज द रेशियो ऑफ अगर कोई बोलेगा कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक क्या होता है रेशियो ऑफ होता है, है ना रेशियो ऑफ स्पेसिफ तो आपको क्या बोलना है वो होता है एडियाबेटिक इंडेक्स एडिया

बताना था अब देखो इसको तीन भाग में अलग अलग थोड़ा फॉर्म में लिखा जाता है जैसे कि अभी तो इंटू कामा आपको याद रखना यही दोनों बस इस दोनों से सारा निकालने में सिखा दे रहा हूं एक हो गया तो ये मेरा बन गया ना अब देखो यहां से क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं सिंपल में यहां पे एक सेकंड तो पे हाँ, पे हम क्या क्या कर गामा है, है ना क्यों क्योंकि मेरे को अभी जस्ट आया आया ये चीज़ आया. तो यहाँ पे CP equal to क्या value put कर सकते देखो बस खाली form change करा गया आर प्लस मेरे को यहाँ जाकर वेल्यू पुट कर दो क्या कर देंगे आर प्लस सीबी इक्वल टू सी वी गा देखो आर प्लस सीबी इक्वल टू सी वी गामा ये मेरे को पता चल गया अब क्या करेंगे आर का वैल्यू को निकालना सीबी को दो धकेल दो तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा सीवी सी गामा एंड माइनस सीबी को कॉमन ले लो सीबी कॉमन ले तो गामा माइनस वन तो आर इक्वल टू एक यहां से फॉर्म बन के रेडी आ गया क्या सीबी गाइनस वन वही लिखा गया गामा ये एक 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 फॉर्म मेरे को मिला क्या कि R इक्वल टू मतलब एक आपको बोलेगा कि R इक्वल टू होता है सीपी माइनस सीबी एक R इक्वल टू होता है सीवी गामा माइनस वन या फिर आपको यहां पर सीबी निकालने बोल देगा सीबी इक्वल टू क्या गामा तो ये भी आपको बोल देगा ये भी रिलेशन बन गया समझ गए और जब यहां से आपको एक चीज पता चले क्या कि इक्वल टू लिख सकते हैं गामा तो यहाँ पे इस के जगह में आर अपन गामा को वैल्यू पुट कर दिया गया तो एक नया फिर सीपी तो यहाँ पे आपको सी इक्वल टू क्या मिल गया कि आर अपन गामा माइनस वन एंड सीपी टू गामा टाइम आर अपन गामा माइनस वन तो ये दो पूछा जाता है तीसरा